चलिए ध्यान दीजिएगा, लाघुगुणकीय अवकलन। अब इसमें लघुगुणक में क्या होता है, जोड़ घटाव के बारे में आपको जानना है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि लघुगुणक का कुछ नियम होता है। नियम को सूत्र यानी फॉर्मूला के माध्यम से याद कीजिएगा। दे देगा आपको लॉग यू इन टू बी, लॉग के माध्यम में इसको इंटू में देगा, इसको हम प्लस लिखते हैं, कैसे लिखते हैं इसको, लॉग यू प्लस लॉग वी के माध्यम से। इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर में अगर यही आपको लॉग में मिलेगा u भाई v के रूप में, तो इस माइनस में लिखते हैं, यानी कि लॉग u माइनस लॉग v। अगर कभी भी आपको ये फंक्शन इस तरह से दिखेगा, लॉग cos x के पावर में साइन एक्स, अगर इसके पावर में होता है तो वो आगे आ जाता है, यानी होता है साइन एक्स इंटू में लॉग कॉस एक्स, यानी यह यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फिर यू इंटू वी के नियम से बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा रहेगा, पावर में रहेगा, तो हम लघुगुणक के माध्यम से इसको हल करेंगे, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल देने, एग्जाम्पल के माध्यम से सवाल हल हुई, देखो कैसे लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, यानी कि आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा वाई बराबर कॉस एक्स के पावर में लॉग एक्स, इस तरह से भी सवाल आपको मिलता है तो कैसे हल करेंगे, लॉग मान कर बनाएंगे। तो आइए ध्यान समझते हैं, सॉल्व करते समय क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जैसे ही लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग वाई या हो गया लॉग कॉस एक्स लॉग एक्स, यानी कि जो इसके पावर में होगा और कहां जाएगा, इसके आगे आ जाएगा। तो आगे कैसे आएगा, log y का वर्ग जो भी फंक्शन है log x बार हो गया इनटू log इनटू क्या हो गया cos x हो गया, यानी क्या u हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसके बाद से डिफरेंशिएशन करेंगे, देखेंगे x के सापेक्ष अवकलन लेने पर। इसके बाद तो आपको मालूम होगा क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं log y, इसमें क्या होगा log x बाहर होता है, डिफरेंशिएशन किसका होता है log into में cos x, इसमें दो फंक्शन है तो इसको क्या लेंगे, दो बार हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, प्लस का चिन्ह, फिर ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा log into में cos x, डिफरेंशिएशन किसका होगा, log x का डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका क्या होता है, वन बटा में y डिवाइड बाय dx, ये हो गया log x, छोटे यहाँ पर log का वन बाय x, तो y x के बदले में क्या हो जाएगा cos x, cos का होता है माइनस sin x प्लस log cos x वन बाय x, मुझे इसका या गुना में भागा में तो कहां चल जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि y log x sin बटा cos क्या होता है माइनस का जाएगा tan x प्लस यह x ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा log cos x, यही आप आंसर हो जाएगा। यहां पर क्या कीजिएगा, y का मान रख लेने पर, तो आप y का मान रख सकते हैं इसमें, तो y का मान रख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह से हम रख रहे हैं, dy / dx, y का वैल्यू यहां पर है क्या है cos x के पावर में log x माइनस log x tan x प्लस x इनवर्स log cos x, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया।
तो इस प्रकार से लॉ के नियम से एग्जांपल था। इसके बाद से मैं सवाल बताऊंगा, क्वेश्चन वाली क्वेश्चन देते चलिएगा, तो आप ध्यान समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, लघु गुणों के माध्यम से हल इसको करेंगे। सबसे पहले इसको मान लेते हैं, क्या ले माना कि y बराबर log x के पावर में cos x, यहां log लगा हुआ है तो लॉगरिथम के माध्यम से हल करते हैं, लेकिन दोनों तरफ log लेने पर यानी log y is equal to log log x के पावर में cos x, यानी कि पावर में कोई भी संख्या रहेगा समय आएगा आगे आ जाएगा इसके प्रश्न में, यानी कि आगे log y बराबर log आगे बाहर cos है ना, cos x इनटू में log इनटू में log x, देखिए u इनटू v का रूप धारण कर लिया, तो u इनटू v से कैसे हल करेंगे, यहां से होगा x के सापेक्ष अवकलन लेने पर तो क्या होता था वो dy by dx log y, इसमें u इनटू v, u बाहर होता है एक बार cos x बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन हो जाएगा log इनटू में log x के फलन दो हो गया ना, तो इसको हम फिर एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, log x गुने d log x बटा में dx प्लस ये का होगा फंक्शन बाहर हो जाएगा log इनटू log x, डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका बहु cos का, यहां हो जाएगा cos x। इसके बाद से आप कर सकते हैं log y का 1 बटा y dy by dx, ये cos x बाहर हो गया, log x का 1 by x, लेकिन x की जगह पर क्या है log x हो जाएगा, या log x कितना हो जाएगा 1 by x plus log into में log x minus sin x, यहाँ देखते हैं ये भाग में है तो बराबर को सट जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में जाएगा ना y इनटू में cos x, x इनटू में log x, देखिए माइनस प्लस क्या माइनस sin x इनटू log x, और यहाँ y का मान रख दीजिए, तो y का मान कितना हमारे पास है log x के पावर में cos x, cos x x इनटू में log x माइनस sin इनटू में log x, log x इतना आपका आंसर हो गया नियम के माध्यम से। आप इसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं, आंसर मिला सकते हैं, ये एक स्टेप बढ़ेगा तो उसको बढ़ा लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब देखिए कैसे हल होगा, ले y बराबर x के पावर x माइनस 2 के पावर में sin x हो गया, लेकिन इसमें दो फंक्शन दिया एक u माइनस b या u हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा b, यानी कि हम उस समय के लिए इसको u मानेंगे इसको क्या मानेंगे b, इसका डिफरेंशिएशन यहीं पर कर लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा du बटा में dx माइनस dv बटा में समीकरण 1 कर लीजिए, यानी कि u बराबर क्या हो गया x के पावर x, दोनों तरफ log लेने पर क्या हो जाएगा log u बराबर log x के पावर x, यानी log u बराबर ये x बार हो जाएगा x इनटू में log x x के सापेक्ष अवकलन लेने पर क्या हो जाएगा d बटा में dx log u x बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा
देखिए यू हो गया, एक हो गया पी, प्लस लॉग एक्स बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा वो एक्स का, इसका वन बटा में यू डी वी डी यू बटा में डी एक्स, एक्स गुणे लॉग एक्स का वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स कितना होता है वन, एक्स एक्स का हो गया कट गए गुणा में तो कहाँ चला जाएगा भागा में तो गुणा में आ जाएगा वन प्लस क्या बच गया लॉग एक्स यानी डी यू बटा में डी एक्स, यू का वन एक्स के पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, ये अभी डी यू बटा डी एक्स निकला। इसके बाद निकालेंगे हम वी वाला वैल्यू, तो वी वाला वैल्यू के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा इसमें अलग से। आप इसमें लिखेंगे अगला वी बराबर कितना है टू के पावर में साइन एक्स, फिर लेंगे हम दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा लॉग वी बराबर लॉग टू के पावर में यहां पर है साइन एक्स, लॉग वी साइन बाहर हो गया लॉग टू हो गया एक्स के सापेक्ष अवकलन लेने पर क्या हो जाएगा डी बटा में डी एक्स लॉग वी। देखिए इसमें कोई संख्या एक्स नहीं लगाया, यानी संख्या दो चार पांच छह इसलिए बाहर हो जाएगा लॉग टू बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन केवल सिर्फ हो जाएगा साइन एक्स में, इसका वन बटा में भी डी वी बटा में डी एक्स log 2 साइन का क्या होता है cos x, गुणा में है तो कहां आ जाएगा भागा में चला जाएगा, तो भागा में ले लीजिए जब भागा में गुणा तो v आ जाएगा, इधर बच गया आपका log 2 cos x dv बटा dx और d का वैल्यू हमारे पास 2 के पावर sin x, लिख सकते हैं इसको आप cos x * में log 2। इसके बाद से हम क्या करेंगे समीकरण एक में वैल्यू को du बटा dx और dv बटा dx के मान को हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद से बताया आपको कि u और v का मान पुट करना है, यहाँ पर समीकरण एक में वैल्यू को हम पुट करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करना रहिए ध्यान से सुनिएगा, क्या करेंगे आप लिखेंगे समीकरण एक में सभी मानों को रखने पर जितना भी वैल्यू आया है सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। देखिए बारी बारी से सारा मान को पुट कीजिए आपके पास आंसर मिल जाएगा। देखिए कौन कौन सा वैल्यू है इसमें, ये dy / dx हो गया, इसका मान देखिए यहां पर आया x के पावर x 1 प्लस log x 1 प्लस log x माइनस इसका वैल्यू यहां पर आया है 2 sin x और इसका मान क्या आया वो लिख सकते हैं यहां से cos x * log, तो यही आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5.5 का 5 नंबर देखने में तो आसान है लेकिन अब ये है माना कि y बराबर x प्लस 3 के पावर 2 इंटू x प्लस 4 के पावर 3 इंटू x प्लस 5 के पावर 4। अब इसमें क्या करेंगे हम दोनों तरफ log लेने पर जैसे ही log लेंगे क्या हो जाएगा log y log लेंगे ना बिखंड खंडित हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा x प्लस 4 के पावर 3 प्लस
एक्स प्लस पांच के पावर चार, यानी लॉग वाई बराबर लॉग क्या हो जाएगा इसमें एक्स प्लस थ्री के पावर टू प्लस लॉग एक्स प्लस फोर के पावर थ्री प्लस लॉग एक्स प्लस पांच के पावर चार। लेकिन यहां पे कंडीशन है, ध्यान से समझिए कंडीशन क्या है। लॉग वाई ये दो है ना बाहर आ जाएगा ना, जो भी फंक्शन ऊपर में होगा क्या बच गए लॉग इनटू में एक्स प्लस थ्री, तीन बाहर आ जाएगा इसका लॉग इनटू एक्स प्लस फोर, चार बाहर आ जाएगा इसमें भी क्या बच गया वो लॉग इनटू एक्स प्लस पांच। इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन लेने पर अवकलन लेने पर और आपका बन गया, देखिए कैसे बन गया डिफरेंशिएशन लॉग वाई टू बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा लॉग इनटू एक्स प्लस थ्री, इसका तीन बाहर गया डिफरेंशिएशन होगा लॉग इनटू एक्स प्लस फोर, चार बार में इसका भी डिफरेंशिएशन होगा लॉग इनटू एक्स प्लस फाइव। इसके बाद से क्या होता है वन बाई वाई डीवाई बाई डी एक्स टू लॉग एक्स का वन बाई एक्स यानी एक्स प्लस थ्री, तीन बटम लिख लेके बन एक्स प्लस चार, चार बटम कितना हो जाएगा एक्स प्लस पांच, ये ऊपर कर लीजिए हो जाएगा। इसके बाद से आप जॉइंट का एलसीएम निकाल सकते हैं इसका, ये वाई ऊपर चला जाएगा डीवाई बाई डी एक्स, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, इससे मल्टीप्लाई करेगा टू इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फाइव प्लस तीन में एक्स प्लस तीन इंटू एक्स प्लस पांच प्लस चार में एक्स प्लस तीन इंटू एक्स प्लस चार, ये भी सिखाना पड़ेगा। अब यहां पर डी वाई बाई डी एक्स वाई कौन देखिए क्या एक्स प्लस तीन के पावर दो एक्स प्लस चार के पावर तीन एक्स प्लस पांच के पावर चार दो इंटू में गुना कर लीजिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस चार एक्स प्लस बीस, तीन इंटू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पांच एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस पंद्रह, चार इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस बारह बटा में क्या है एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, इतना आपको कंडीशन करना पड़ेगा। ये तो जोड़ घटाव का सिस्टम बनती है, थोड़ा सा आपको इसमें जोड़ घटाव तो करना पड़ेगा। तो कहिए इस बात भी आगे कर रहा हूं मैं। इसके बाद आप देख सकते हैं क्या कहना जाएगा कि यहाँ देख रहे हैं आप कंडीशन है यहाँ तीन दो है यहाँ तीन है यहाँ चार है और यहाँ एक एक है, ये भी सब कट जाएगा और ये भी कुछ कट जाएगा, इसमें एक बच जाएगा इसमें दो बच जाएगा इसमें कितना बचेगा तीन बच जाएगा बचेगा ना क्योंकि सेम है कटेगा ऊपर नीचे। तो इसके बाद क्या बच गया डीवाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस तीन एक्स प्लस चार का स्क्वायर एक्स प्लस पांच का क्यूब और इसके बाद क्या बच गया टू से गुणा कर लीजिए इसमें टू एक्स स्क्वायर प्लस पांच चार नौ नौ दूनी अठारह एक्स प्लस बीस दूनी चालीस प्लस इसमें कीजिए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस पांच तीन आठ अठारह का चौबीस एक्स प्लस पंद्रह दिया पैतालीस इसमें चार एक्स एक्स स्क्वायर प्लस चार तीन सात सचो अट्ठाईस और बच्चों कितना हो जाएगा अड़तालीस।
यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर के पावर टू एक्स प्लस फाइव के पावर थ्री जोड़ सकते हैं आप, तीन दो पांच पांच चार नौ एक्स स्क्वायर प्लस इसको जोड़िए आठ चार बारह 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 आठ बीस के सो नाकला में दो हो जाएगा दो चार दो छः एक सत्तर एक्स प्लस आठ पांच तेरह के तीन नाकला का एक और कितना हो जाएगा चार चार आठ चतियाई बारह बारह तेरह यही आपका आंसर हो गया आप देख सकते हैं।